हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदर अंसारी। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जीएसके का पार्ट 3 कवर करेंगे प्रैक्टिकल में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जनरल कार्गो लेसिंग मटेरियल में कौन कौन से आइटम आते हैं और कंटेनर लेसिंग मटेरियल में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर जो मैं ये बता रहा हूँ ये होता क्या है, जनरल कार्गो लेसिंग मटेरियल क्या है और कंटेनर लेसिंग मटेरियल क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमको सुरक्षित रखना है, सिक्योर रखना है, तो उसको बांध कर यानी उसको सिक्योर करके रखा जाता है, तो उसी को बोला जाता है लेसिंग। ठीक है, सिप पर भी हम बड़े बड़े कार्गो होल्ड में हुआ या कंटेनर भी लेके जाते हैं या कोई भी कार्गो लेकर जाते हैं, तो सिप जैसे रोड पर झटका आता है, बम्पर आता है, उसी तरह सिप में भी क्या होती है, रोलिंग पिचिंग होती है। समुंदर में रोलिंग पिचिंग होती है तो जहाज़ का रोलिंग पिचिंग मोमेंटम होता है, तो जितने भी कार्गो होंगे इधर से उधर जाएंगे या दरिया में गिर सकते हैं, तो उनको बांध कर उनको सिक्योर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही जो सिक्योरिंग की प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं लैशिंग। ठीक है, तो जो बांध कर सिक्योर करके कार्गो को रखा जाता है सिप पर ताकि वो हमारा जो कार्गो है इधर उधर ना जाए या कार्गो का नुकसान ना हो, तो इसी को सिक्योर करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कार्गो लेसिंग मटेरियल। तो कार्गो लेसिंग मटेरियल दो टाइप का होता है, एक जनरल कार्गो लेसिंग मटेरियल होता है, कंटेनर लेसिंग मटेरियल होता है। यानी कंटेनर का अलग बनाया गया है और बाकी कंटेनर को छोड़कर जितने भी कार्गो हैं उनको अलग तरीके से सिक्योर किया जाता है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की यानी क्या क्या आइटम की ज़रूरत पड़ेगी इसमें बताया गया है। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द अनिल घोष सर, बिकॉज अनिल घोष सर इज़ द प्रैक्टिकल टीचर ऑफ द जीएसके। सो अनिल घोष सर, आई सैल्यूट यू। तो चलिए, जनरल कार्गो लेसिंग मटेरियल के बारे में क्या होता है, तो वेरियस टाइप ऑफ वायर एंड रोप। अगर किसी को भी सिक्योर करना है तो वेरियस टाइप आपका आपको वायर चाहिए और उसके साथ साथ आपको रोप भी चाहिए। वायर में कौन सा रोप चाहिए, तो कॉमन स्टील वायर रोप भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप भी हो सकता है और एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप भी हो सकता है। और रोप में बात करें तो पोलोथीन प्लास्टर, पॉलीप्रोपेन, डायनेमा, एक्स्ट्रा फ्लेक्सा जूट ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉलीप्रोपेलिन ज़्यादा यूज करते हैं, नायलॉन भी ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है टर्न बकल। टर्न बकल होता क्या है, तो टर्न बकल एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है और उसके जरिए हम लेसिंग को कितना भी टाइट कर सकते हैं या कितना भी लूज कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों तरफ उसके तार लगी होती है और बीच में रड लगाकर जितना उसको मोमेंट करेंगे वो पूरा टाइट होगा या पूरा ढीला होगा, तो टर्न बकल का वही काम। बोटल स्क्रू भी वही काम होता है, लेकिन बोटल स्क्रू में जो होता है बीच में होल नहीं होता है, टर्न बकल के बीच में होल होता है। बोटल स्क्रू में कोई भी काम कंफर्टेबल तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको जगह नहीं मिले, क्योंकि उसका जो बोटल स्क्रू में होल होता है वो एक स्टीमिट मात्रा में होता है, लेकिन बोटल जो टर्न बकल होता है उसमें होल बड़ा होता है, उसमें किसी भी चीज़ को ले जाकर उसको टर्निंग किया जा सकता है। बुलडो ग्रिप क्या होता है, बुलडो ग्रिप इस प्रकार का नट की तरह बना होता है। ठीक है, वो आप मेरे आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैं मरीन वर्कशॉप में जितना भी है सबका आइडेंटिफाई करवाया हूँ, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो बुलडो ग्रिप क्या होता है, बुलडो ग्रिप का काम होता है क्या करना, तो मेक एन आई एंड ज्वाइनिंग द वायर रोप टुगेदर। अगर एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ना होता है तो वहाँ पर बुलडो ग्रिप लगाया जाता है, या बुलडो ग्रिप लगाने से फ़ायदा यह है कि तार जो होता है जल्दी से फटता नहीं है, मैं जल्दी से छोड़ता नहीं है। शैकल क्या होता है, शैकल आप लोग जानते ही हैं, शैकल क्या होता है, शैकल क्या हुआ, तो एक ब्लॉक टाइप का हो गया। ठीक है, शैकल में अगर लगाएंगे तो शैकल लगाने से फ़ायदा यही होता है कि शैकल का काम होता है मैकेने हार्ड आई ऑफ एंड ऑफ द रोप। ठीक है, और ये तार को घिसने से बताता है। हैमर प्लस एक्स्ट्रा, ये तो रहेगा ही, वेरियस टाइप ऑफ वायर एंड रोप, टर्न बकल, बोटल स्क्रू, बुलडो ग्रिप, शैकल प्लस एक्स्ट्रा में और आपको क्या चाहिए, तो हैमर, स्पैनर, टिम्बर एंड नेल, यानी लकड़ी और आपको नेल चाहिए। तो ये आपका होता है जनरल कार्गो लेसिंग मटेरियल में। अब हम आ जाते हैं कंटेनर लेसिंग मटेरियल में, कंटेनर लेसिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वेरियस टाइप ऑफ द ट्विस्ट लॉक होना चाहिए। ट्विस्ट लॉक भी वेरियस टाइप का होता है, हैंड ट्विस्ट लॉक होता है, ऑटो ट्विस्ट लॉक होता है। ठीक है, हैंड ट्विस्ट लॉक का होता है उसको हैंड से लॉक किया जाता है, और ऑटो ट्विस्ट लॉक होता है इसको उठा दीजिए, उसके अंदर से तार छोड़ दीजिए, उसको फेड़िएगा तो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता है। बोटल स्क्रू मैंने आपको बताया, टर्न बकल आपको बताया, ब्रिज फिटिंग। ब्रिज फिटिंग क्या है, मान लीजिए कि देखिए, अगर एक ये कंटेनर हुआ मेरा, ये दो हाथ मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर, ये कंटेनर, दोनों कंटेनर को अगर हम सटा के रखेंगे तो रोलिंग पिचिंग होगा, तो एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से लड़ेगा तो कार्गो उसमें जितने भी होंगे डैमेज होंगे। तो दोनों कंटेनर के बीच क्या किया जाता है, एक फिटिंग लगा दिया जाता है, एक चीज़ लगा दिया जाता है, वही इक्विपमेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रिज फिटिंग। वो दोनों को टस मस नहीं होने देगा, उसका जो प्रेशर है ब्रिज फिटिंग और इस कंटेनर का प्रेशर ब्रिज फिटिंग दोनों अपने पर ले लेता है। उसके बाद जो होता है रिजिड बार होता है। रिजिड बार क्या होता है, तो
रिजिड बार एक छड़ की तरह होता है, उसी के उपयोग करके किसी भी चीज़ को टाइट किया जाता है। बॉटम ट्विस्ट लॉक क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दो कंटेनर के बीच आपका ब्रिज फिटिंग लगा दिया जाता है, उसी तरह जो कंटेनर होता है कंटेनर के नीचे डेक को बचाने के लिए, क्योंकि हैवी वेट जाता है तो डेक को बचाने के लिए नीचे क्या किया जाता है, तो बॉटम ट्विस्ट लॉक लगा देता है। बॉटम जो भी उसका वेट होता है बॉटम ट्विस्ट लॉक होता है। प्लस इसमें भी इसके साथ हैमर होना चाहिए और स्पेनर होना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जनरल कार्गो लेसिंग मटेरियल और कंटेनर लेसिंग मटेरियल, ये आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं हम लोग पढ़ लेते हैं बोसन चेयर के बारे में, ठीक है। बोसन चेयर और स्टेट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। और आप लोग मेरा चैनल को फटाफट लाइक भी कर दीजिए, तब तक मैं अपना बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। और ये जैसे ही ये ख़त्म होगा उस तरह मैं जीके जीएसके का ओरल करा दूंगा, और ओरल के बाद हम लोग का काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं बोसन चेयर के बारे में। सॉरी, बोसन का मीनिंग होता है बोसन चेयर। मैं हल्का फुल्का एक रॉ बना लेता हूँ बोसन चेयर का, ठीक है। समझ लीजिए ये बोसन चेयर हो गया, ठीक है। बोसन चेयर ठीक है। अब चलिए बोसन चेयर का आखिरी एक्चुअली यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द बोसन चेयर। मान लीजिए सिप पर हम लोग को ऊंचाई पर काम करना हुआ, ठीक है, सैमसन मास्ट या सैमसन पोस्ट, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है मास्ट होता है या पोस्ट मास्ट होता है, या उसको पोस्ट भी बोलते हैं सैमसन मास्ट या सैमसन पोस्ट। तो वहाँ पर अगर आपको काम करना हुआ तो वहाँ पर कैसे जाके काम करेंगे, तो वहीं पर जाने के लिए क्या किया जाता है, बोसन चेयर का यूज़ किया जाता है। बोसन चेयर पर आप बैठ के सेल्फ लोअरिंग हिच लगा के सेफ्टी क्लिप लगा के सेफ्टी हार्नेस विथ लाइफ लाइन पहन के आप आसानी से चढ़ सकते हैं और जाकर वहाँ पर अपना काम करके आ सकते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बोसन चेयर। बोसन चेयर इज़ ए यूज़ ऑफ ए सच एज ए लाइक फॉर द चीपिंग पेंटिंग वॉशिंग स्क्रैपिंग सैमसन मोस्ट और सैमसन पास्ट और चेंज द नेविगेशन लाइट। अगर मान लीजिए आपका जो ब्रिज के ऊपर नेविगेशन लाइट भी खराब हो गया तो उस पर आप कैसे चढ़िएगा, तो बोसन चेयर से चढ़िएगा। तो बोसन चेयर इज़ द यूज़ ऑफ द सैमसन मास्ट सैमसन पोस्ट चिपिंग पेंटिंग वॉशिंग स्क्रैपिंग एंड चेंज द नेविगेशन लाइट। इस तरह बोलिएगा तो सर्वेयर बहुत खुश होगा। बोसन चेयर की पार्ट की हम बात कर ले तो बोसन चेयर में क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है। ये जो दो लाइनें निकल कर आती हैं इसको बोलते हैं ब्रिडल, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिडल। ये जो बोसन चेयर का ये जो आता है और इसके साथ एक लंबी सी हल्का सा पूंछ लटका होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गेंट लाइन। तो इसको हम बोल इससे अच्छा है कि इसको समझने से अच्छा है कि आप मैं इसको पहले इसका लंबाई चौड़ाई के बारे में बता दूं। एक बोसन चेयर हो गया। बोसन चेयर एक्चुअली किस चीज़ का बना होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। बोसन चेयर जो लकड़ी का बना होता है इसको बोलते हैं हार्ड प्लांक वुड, हार्ड प्लांक वुड, ठीक है। ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन अनिल घोष सर ब्रिलियंट टीचर ऑफ द जीएसके प्रैक्टिकल, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो बोसन चेयर जिस लकड़ी का बना होता है उसका नाम होता है हार्ड प्लांक वुड। हार्ड प्लांक वुड में ये मतलब क्या होता है, ये ऐसी लकड़ी है जिसमें कभी भी इंसर्ट यानी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ठीक है, थीके? ये कभी ख़राब नहीं होती है जब तक इसको पानी में नहीं भिगाया जाए। तो अगर इसको पानी से आप बचा कर रखिएगा तो ये पूरा लाइफ टाइम तक चलेगा। इसको जो बना होता है हार्ड प्लांक वुड का बना होता है। अब बोसन चेयर की लंबाई चौड़ाई की हम लोग बात कर ले तो ये जो बोसन चेयर होता है इसकी लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा इसकी लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात कर लें तो इसकी जो ब्रेथ होता है वो आपका 20 सेंटीमीटर होता है। और इसकी थिकनेस की बात कर लें तो थिकनेस 2 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बोसन चेयर की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और जो इसका थिकनेस होता है 2 सेंटीमीटर होता है। और ये जो ब्रिडल होता है, ये जो ब्रिडल का डायमीटर जो रोप का होता है वो ब्रिडल डायमीटर जो इसका होता है डायमीटर ये आपका 10 mm होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्रिडल का जो डायमीटर जो होता है वो 10 mm होता है, ठीक है। ये किसी को नहीं पता होगा, आप याद रखिएगा। माने किसी को पता नहीं क्या मतलब, माने पता ही होगा, बहुत आदमी को पता होगा, लेकिन ये जो नहीं होता है मैजिक क्वेश्चन, याद रखिएगा। ब्रिडल का डायमीटर कितना होता है, ब्रिडल क्या होता है, तो देखिए बोसन चेयर ये होगा, ठीक है, नीचे मेरा हाथ बोसन चेयर होगा। बोसन चेयर से दो रस्सी निकल कर जाती है, ये जो रस्सी निकल कर जाती है तो ये आपको ऐसे ट्रायंगल एंगल में बनाती है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रिडल। तो ब्रिडल का डायमीटर कितना होता है, तो 20 mm होता है। अब जो बोसन चेयर को ले जाकर हम यहाँ पर बांधते हैं,
ठीक है, तो ये जो बोसन चेयर को बांधते हैं और यहाँ से जो एक रस्सी निकल कर आती है उसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं टेल या लैंडयार्ड, ठीक है, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। तो अब ये जो यहाँ पर ले जाकर दोनों बोसन चेयर से हम इसको बांधते हैं तो उसका नाम क्या है, ठीक है, उस कौन सा बैंड बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल सीट बैंड, उसको बोलते हैं डबल सीट बैंड, याद रखिएगा। बोसन चेयर में बोसन चेयर को कौन से बैंड से सिक्योर किया जाता है, बोसन चेयर को कौन से नोट से सिक्योर किया जाता है, तो डबल सीट बैंड से, याद रखिएगा, डबल सीट बैंड से इस तरह ले जाएंगे, दो राउंड घुमाएंगे, नीचे से लाएंगे और खींच देंगे तो डबल सीट बैंड बन जाता है। तो बोसन चेयर के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है, अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो मेरे को वीडियो में कमेंट कर देंगे। बोसन चेयर का मैंने यूज बता दिया, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेज के बारे में, ठीक है। जीएसके में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लड़का को बोसन चेयर पर चढ़ाता ही चढ़ाता है, सेल्फ लोअरिंग हीच मारता ही मारता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं स्टेज के बारे में, ठीक है। स्टेज भी बोसन चेयर के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा इसकी जो लंबाई होती है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है, ठीक है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है वो हॉर्न लगा होता है, ठीक है, हॉर्न इसको बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। और ये जो हॉर्न जो होता है पूरा स्टेज का 1/3 होता है, ठीक है, यानी जितना स्टेज की लंबाई होगी उस लंबाई का ये 1/3 हिस्सा ये हॉर्न होना चाहिए। स्टेज की बात कर लें तो स्टेज जो होता है वो भी हार्ड प्लांक वुड का बना होता है, ठीक है, माने ये भी अच्छा मटेरियल का बना होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है 6 से 7 फीट, ठीक, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो आपका 43 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस होता है ये आपका 2.5 सेंटीमीटर, एक्चुअली 2.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, उससे डिफरेंट नहीं है, एक ही है, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है आपका स्टेज, ठीक है। तो स्टेज की जो मैंने लंबाई चौड़ाई आपको मैंने डिक्टो में क्या की दिया तो बता दिया, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या नाम है, तो इसका नाम होता है हॉर्न यानी सीम, ठीक है। जो और इसमें जो रस्सी यूज किया जाता है वो मैनीला रस्सी यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका रस्सी को सिक्योर करके यहाँ लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से एक रस्सी यहाँ पर सिक्योर करके यहाँ ले जाता है, और यहाँ पर ले जाकर एक नीचे रस्सी छोटी सी होती है जिसको बोलते हैं टेन या लैंडयार्ड, ठीक है। और ऊपर वाली रस्सी जो होती है उसका भी नाम मैं आपको बताऊंगा, और उसको बोलते हैं गेंट लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ले जाकर स्टेज में जो रस्सी बांधा जाता है, कौन सा नोट मारा जाता है, तो उसको बोलते हैं बो लाइन, उसमें बो लाइन नोट मारा जाता है, ठीक है, उसमें बो लाइन नोट मार के सिक्योर किया जाता है। अब बात रही कि स्टेज का क्या यूज होता है, तो स्टेज का वही यूज होता है चिपिंग, पेंटिंग, वॉशिंग, सीप ओवर साइड, ठीक है, ये सीप के ओवर साइड में स्टेज लगाकर यूज किया जाता है। और जब सीप के ओवर साइड में जब स्टेज लगाया जाता है, और एक मोडेशन में भी चिपिंग पेंटिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए स्टेज लगाया जाता है, तो वो जो हिस से सिक्योर किया जाता है उसका नाम होता है राउंड टर्न 2.5 इंच, ठीक है, याद रखिएगा, राउंड टर्न 2.5 इंच लगाकर सिक्योर किया जाता है। तो बोसन चेयर और स्टेज दोनों का मैंने आपको यूज बता दिया, तो आपको इससे भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फटाफट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।